हेलो एवरीवन, आई एम दीपिका, वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन RP IIT टेक्निकल एंड मेडिकल कैंपस बस्ताड़ा करनाल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एनी मेंबर ऑफ अ लार्ज क्लास ऑफ गैसियस, लिक्विड और सॉलिड केमिकल कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूल कंटेन कार्बन। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? लार्ज क्लासेस हैं, गैसियस फॉर्म भी हो सकता है, लिक्विड या फिर सॉलिड केमिकल कंपाउंड्स एंड दैट कंटेनिंग कार्बन, विच कंटेन कार्बन। सो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द साइंस कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो केमिस्ट्री होती है, जो साइंस होती है, जो उससे कंसर्न होती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक सिंथेसिस इज द मेथडोलॉजी ऑफ देयर प्रिपरेशन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं उनकी जो प्रिपरेशंस है, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस। नेक्स्ट इज इट्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं मे बी नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मे बी क्लासिफाइड इन अ वेराइटी ऑफ वेज। वन मेजर डिस्टिंक्शन इज बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक। जो नेचुरली ऑब्टेंड होते हैं वो नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एंड जिनको हम सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं दीज आर द सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड और सब डिवाइडेड इन द प्रेजेंस ऑफ हेट्रो एटम्स। एग्जाम्पल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स विच फीचर बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल, एंड अल्काइल हैलाइड कंपाउंड्स विच फीचर बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इन द प्रेजेंस ऑफ हेट्रो एटम्स के बेसिस पे भी क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जिसमें कार्बन और मेटल के साथ बॉन्डिंग हो, या फिर अल्काइल हैलाइड कंपाउंड जिसमें कार्बन और हैलोजन एटम के बीच बॉन्डिंग हो। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेचुरल एंड सिंथेटिक एंड मे बी प्रेजेंस ऑफ, मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ हेट्रो एटम्स। नेचुरल कंपाउंड्स इज अ केमिकल कंपाउंड और सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट इज फाउंड इन नेचर। जो हमें नेचर से मिलते हैं एंड दीज सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड नेचुरल कंपाउंड्स। Examples include most sugars, carbohydrates and proteins. Mostly जो natural compounds होते हैं, so these are sugars, carbohydrates and protein. Synthetic compounds are the prepared by reaction of other compounds are known as synthetics. Synthetic compounds को हम किसी भी other compound से जो हम synthetically labs में जैसे prepare करते हैं by a reaction are called synthetic compounds. They are compounds that do not occur naturally. ये हमें naturally obtain नहीं होते, इनको हमें prepare करना पड़ता है. Most polymers, a category that include all plastics and rubbers, are organic synthetic compounds. जो chemicals हैं, plastics और rubbers आते हैं जिसमें, जो ये category है, मोस्टली जो क्या होते हैं ये पॉलीमर्स होते हैं, एंड इनको ऑर्गेनिक सिंथेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। मोनोमर इज़ अ मॉलिक्यूल दैट मे बाइंड केमिकली टू अदर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ पॉलीमर। एक पॉलीमर जो है वो सब यूनिट्स ऑफ मोनोमर से मिलके बनता है। द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, एंड इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। Molecules made of a small number of monomer units are called oligomers. अगर उसमें small number of monomer units हैं, so these are called oligomers. So it's all about organic compounds, their classification. Thank you. Have a nice day.